वज़ीर-ए-आला केसीआर ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीवास राव की मौत पर गहरे सदमे का इजहार किया, जो भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के बेंडलापाड़ू गांव के मुज़फ़्फ़रात में कातिलाना हमले में मारे गए। श्रीवास राव के अहलेखाना के तहत उन्होंने गहरी ताजियत का इजहार किया। सीएम केसीआर ने डीजीपी महेंद्र रेड्डी को हुक्म दिया कि वह श्रीवास राव की मौत के जिम्मेदारों को सजा देने के लिए कानूनी कार्रवाई करें। एफआरओ श्रीवास राव के अरकान खानदान को वज़ीर-ए-आला ने 50 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वह रिटायरमेंट की उम्र तक उनके अहलेखाना को यह तनख्वाह फराहम करने के इकदाम करें। कारोनिया तकर्री के तहत अहले खानदान के अफराद को सरकारी मुलाजिमत देने की भी तजवीज रखी। वज़ीर-ए-आला ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को इस बात की हिदायत दी कि वह सरकारी एजाज के साथ अहदेदार की आखिरी रसूमात की अंजामदही के इकदाम करें और नाश की मुंतकली के इंतजाम करें। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी, खम्मम जिले के वजीर पी अजय कुमार और श्रीवास राव को आखिरी रसूमात श्रीवास राव की आखिरी रसूमात में शिरकत करने और मुतालिका इंतजाम को की निगरानी करने का हुक्म दिया है।